एलजी साहब तो रोज किसी मामले में एक इतनी लंबी चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री को और उसमें दुनिया भर की नैतिकता की दुहाइयां देते हैं, दुनिया भर की शिक्षाएं मुख्यमंत्री जी को देते हैं। इस विषय में एलजी साहब का एक ट्वीट नहीं दिखा, एक कोई चिट्ठी नहीं दिखी, एक कोई उनका बयान नहीं दिखा। अरे कम से कम मीडिया में ही कुछ प्लांट कर देते, वो भी नहीं किया। इतनी चुप्पी, ऐसा क्या है जो एलजी साहब छुपा रहे हैं? उनको तो बताना चाहिए ये घोटाला कैसे हो गया उनकी नाक के नीचे। और आज क्या हो रहा है, किसी भी देश के किसी भी राज्य के अंदर अगर सबसे सुरक्षित सबसे महफूज कोई जगह हो सकती है तो वो है न्यायालय, न्याय का मंदिर। आज दिल्ली के एक पॉश इलाके के अंदर जो हमारा साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अंदर एक महिला के ऊपर कई गोलियां चलाई गई कोर्ट के परिसर के अंदर, ये कैसे संभव हो सकता है? हाई कोर्ट के तो सख्त आदेश हैं कि बिना मेटल डिटेक्टर के अंदर जाए आपकी एंट्री नहीं हो सकती। वो बंदूक कैसे पहुंच गई परिसर के अंदर? हर एंट्री के ऊपर पुलिस का बंदोबस्त होता है, तलाशी भी करते हैं, आईडी कार्ड भी देखते हैं, कैसे एंट्री हो गई, हथियार कैसे अंदर आ गया, क्या कर रही है पुलिस। अभी एक डेढ़ हफ्ते की बात है कि द्वारका के अंदर एक नामी वकील की हत्या कर दी गई, द्वारका के अंदर, द्वारका कोर्ट से आ रहे थे। क्या कर रहे हैं एलजी साहब? लगभग हर हफ्ते खबर छपती है कि दिल्ली के अंदर कोई बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, 70 साल के पति, उनकी 65 साल की पत्नी, निर्मम हत्या दिन दहाड़े हो रही है, रात में नहीं दिन दहाड़े निर्मम हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है। अच्छी अच्छी पॉश कॉलोनियों के अंदर चलते फिरते महिलाओं की चेन स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करी गाड़ी चोरी हो रही है। अब तो सीसीटीवी कैमरा के सामने भी चोरी होती है तो भी पुलिस नहीं ढूंढ पाती उनको, वीडियो दिख जाता है, आदमी ला के दे देता है कि साहब ये आदमी है, इसकी फोटो दिख रही है, तस्वीर दिख रही है, ये चोरी करके गया, तो भी कुछ नहीं हो रहा है। कहां हैं एलजी साहब, क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा गंभीर हालत है दिल्ली के अंदर। आप बाहर जाके आप लोगों से पता कीजिए, लोगों को बिल्कुल ऐसा लगने लगा है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था कोलैप्स कर गई है। द्वारका के अंदर वकील की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और उस वकील की हत्या हो जाती है जिसके ऊपर थ्रेट ऑलरेडी था, जिसको कुछ दिनों पहले तक पुलिस की सिक्योरिटी प्रोवाइडेड थी, उसकी हत्या हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। आज कोर्ट परिसर के अंदर जो है एक महिला के ऊपर गोलीबारी हो जाती है, बहुत गंभीर बात है। मुझे लगता है कि इसके अंदर एलजी साहब को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहां पे पुलिस विभाग 350 करोड़ के भ्रष्टाचार के अंदर मग्न है, वहां आप कानून व्यवस्था की कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। सर आप इसे कानून व्यवस्था से जोड़ रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि आपसी रंजिश थी और इसे आप लॉ एंड ऑर्डर पे लाकर गंदी राजनीति कर रहे हैं। भाई आपसी रंजिश तो हमेशा ही रहती है लोगों की, वो आपसी रंजिश के अंदर किसी का हौसला इतना ना हो जाए कि वो कहे कि मैं इसको उड़ा देता हूं गोली करके, यही तो काम है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई बंदूक कोई ना टेस्ट कर रहा था जो किसी को गोली मार दी, आपसी रंजिश होगी, कोई दुश्मनी होगी, मगर कानून व्यवस्था का डर होता है कि आदमी अपनी आपसी रंजिश को ये सोचता कि रंजिश रंजिश ही है, मगर इसके अंदर कोई आप कोर्ट के अंदर कोई ना जो है गोलीबारी कर देंगे। ये जिस भी आदमी ने ये जो है ये बात कही है, बहुत मूर्खतापूर्ण जो है कुतर्क दिया है उन्होंने, सिर्फ कुतर्क है, इसके अलावा कुछ नहीं है।